नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुरुवार 31 जनवरी को थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, इसलिए ठंड बढ़ गई थी। रात 8 बजते बजते ठंड से ठिठुरता भीमगंज मंडी कुहासे की चादर में लिपट गया था। इसके बावजूद बाजारों की चहल पहल में कोई कमी नहीं आई थी। इलाके में जैन मंदिर, राम मंदिर और गुरुद्वारा होने की वजह से आम दिनों की तरह उस दिन भी लोगों की अच्छी खासी आवाजाही थी। सर्राफा कारोबारी राजेंद्र विजय वर्गीय का 2 मंजिला मकान जैन मंदिर के सामने ही था। उनके परिवार में पिता चांदमल विजय वर्गीय के अलावा 45 वर्षीय पत्नी गायत्री विजय वर्गीय और 18 वर्षीय बेटी पलक विजय वर्गीय थी। स्टेशन रोड पर उनकी विजय ज्वेलर्स के नाम से सर्राफे की दुकान थी। राजेंद्र विजय वर्गीय के पिता चांदमल विजय वर्गीय का रोजाना का नियम था कि शाम 7 बजे जब जैन मंदिर में आरती होती थी, वे घर से राम मंदिर जाने के लिए निकल जाते थे। मंदिर से वह स्कूटर से दुकान पर पहुंचते और दुकान बंद करने के बाद घर लौट आते थे। तब तक 8:30 बज जाते थे। पिता पुत्र दोनों अक्सर साथ ही घर लौटते थे। उस दिन राजेंद्र कुछ जरूरी काम निपटाने की वजह से दुकान पर ही रुक गए थे, जबकि चांदमल लगभग 8:30 बजे नौकर के साथ घर लौट आए थे। नौकर को बाहर से ही रुखसत कर चांदमल ऊपरी मंजिल स्थित अपने निवास पर पहुंचे। उन्होंने गेट पर लगी काल बेल बजाई, लेकिन रोजाना फौरन खुल जाने वाले दरवाजे पर कोई हलचल नहीं हुई, जबकि काल बेल की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश किया तो यह देखकर हैरान रह गए कि दरवाजा अंदर से लॉक्ड नहीं था। वह एक ही धक्के में खुल गया, ऐसा पहली बार ही हुआ था। चांदमल ने बहू गायत्री के कमरे की तरफ बढ़ते हुए आवाज लगाई तो वहीं खड़े रह गए। गायत्री के कमरे के बाहर खून बिखरा पड़ा था। बहू की खामोशी और फर्श पर बिखरे खून ने उन्हें इस कदर डरा दिया कि वे बुरी तरह चीख पड़े। चांदमल के चिल्लाने की आवाज ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली किराएदार रश्मि ने सुनी तो चौंक पड़ी। वह तभी मंडी से सब्जी लेकर लौटी थी। वह हड़बड़ाई सी सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। बदहवास से खड़े चांदमल ने कमरे में बिखरे खून की तरफ इशारा किया तो रश्मि ने पहले चांदमल को संभाला, फिर गायत्री की तलाश में कमरे की तरफ बढ़ी। वहां का दृश्य देखकर चांदमल और रश्मि दोनों की आंखें फटी रह गईं। ड्राइंग रूम के फर्श पर गायत्री की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। चांदमल को संभालने की कोशिश में रश्मि को थोड़ा आगे पलक पड़ी दिखाई दी। उसके आसपास खून का दरिया सा बना हुआ था। साफ लगता था कि दोनों मर चुकी हैं। चांदमल ने इस विभत्स दृश्य को देखा तो उनके रहे सहे होश भी उड़ गए। सन्नाटे में खड़े चांदमल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अंततः उन्होंने जैसे तैसे रश्मि की मदद से खुद को संभाला और मोबाइल से बेटे राजेंद्र को इत्तला दिया। इसके बाद उन्होंने रश्मि को फोन देकर पुलिस को सूचना देने को कहा। पुलिस को खबर देने के बाद रश्मि ने मोहल्ले के लोगों को आवाज दिया। जरा सी देर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जैन मंदिर से भीमगंज मंडी पुलिस स्टेशन का फासला बमुश्किल 1 किलोमीटर का है। थाना प्रभारी श्री चंद्र सिंह ने फोन करके उच्चाधिकारियों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद श्री चंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ 15-20 मिनट में राजेंद्र विजयवर्गीय के मकान पर पहुंच गए। दोहरे हत्याकांड ने कोटा के पुलिस महकमे को हिला दिया था। आईजी विपिन कुमार पांडे, एसपी दीपक भार्गव, एडीएम पंकज ओझा सहित आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। डॉग स्क्वायर्ड और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। विजय वर्गीय परिवार के घर के बाहर भारी भीड़ जुट गई थी। पुलिस अधिकारियों ने देखा कि खून तो बेडरूम में फैला था, लेकिन गायत्री और पलक दोनों के शव ड्राइंग रूम में पड़े थे। पुलिस को लगा कि हत्यारों ने माँ बेटी दोनों को उनके कमरों में मारा होगा और फिर शवों को घसीटते हुए ड्राइंग रूम में लाकर पटक दिया होगा।
दोनों के कमरों से ड्राइंग रूम तक खिंची खून की लकीर भी इसी ओर इशारा कर रही थी। जिस दरिंदगी से माँ बेटी की हत्या की गई थी, उससे लगता था कि दोनों की हत्याएं किसी रंजिश की वजह से की गई थीं। इस बारे में राजेंद्र विजय वर्गीय का कहना था कि हम लोग तो सीधी सच्ची जिंदगी जी रहे थे, दुश्मनी या रंजिश का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एसपी दीपक भार्गव राजेंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि घटनास्थल का विभत्स दृश्य साफ साफ रंजिश की ओर इशारा कर रहा था। हत्यारों ने किसी वजनी हथियार से दोनों के सिर, गर्दन और हाथों पर इतने घातक वार किए थे कि उनका भेजा तक बाहर आ गया था। मौका मुआयना करने के दौरान पुलिस को बेड पर दो सरिये पड़े नजर आए। खून से सना चाकू बेड के नीचे पड़ा था। चाकू पर लगा खून बता रहा था कि माँ बेटी के गले उस चाकू से ही रेते गए होंगे। बेडरूम में रखी अलमारियों के टूटे हुए ताले बता रहे थे कि वारदात को चोरी डकैती के लिए अंजाम दिया गया था। लेकिन राजेंद्र विजय वर्गीय सदमे की वजह से कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। पुलिस ने भी उन पर दबाव नहीं बनाया। एसपी भार्गव का मानना था कि हत्यारे दो या दो से ज्यादा रहे होंगे। प्रारंभिक जांच और मौका मुआयना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए MBS अस्पताल भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मौत हेड इंजरी से होनी बताई गई। गायत्री के सिर पर 5 चोटें थीं, साथ ही सिर में मल्टीपल फ्रैक्चर भी थे। सिर की कई हड्डियां टूट गई थीं, जबकि पलक के सिर में 2 चोटें थीं। इनमें एक चोट इतनी घातक थी कि भेजा ही बाहर आ गया था। हथियार सरियों के रूप में सामने आ चुके थे। गायत्री और पलक दोनों के हाथों पर भी गहरी खरोंचें और चोटें थीं। मौके पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े भी पाए गए थे। इसका मतलब उन्होंने अपने बचाव के लिए बदमाशों से काफी संघर्ष किया था। माँ बेटी के नाखूनों में त्वचा और मांस के अंश थे जो हत्यारों के हो सकते थे। इसका पता लगाने के लिए नेल स्क्रैपिंग का सैंपल भी लिया गया। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट उठाए। विजय वर्गीय के घर से एक सड़क सीधी स्टेशन की तरफ जाती थी और दूसरी हटवाड़े से होते हुए शहर की ओर जाती थी। यही सड़क शहर के अलावा सैन्य क्षेत्र की तरफ भी जाती थी। यही वजह रही होगी कि हत्यारे बिना किसी की नजर में आए वारदात करके आसानी से फरार हो गए थे। पुलिस यह सोच कर भी चल रही थी कि वारदात को अंजाम देने के लिए हत्यारों ने कम से कम 5-7 दिन तक रेकी की होगी। खोजी कुत्ते भी इसीलिए भटक कर रह गए थे। वारदात को जिस तरह अंजाम दिया गया था, उससे लगता था कि आरोपी विजय वर्गीय परिवार के अच्छे खासे परिचित रहे होंगे। जिस घर में वारदात हुई, उसका मुख्य द्वार लोहे का था, लेकिन कुंडी ऐसी थी जो अंदर बाहर दोनों तरफ से आसानी से खोली जा सकती थी। ऐसे में घर में किसी के घुसने की खबर लगने का कोई मतलब ही नहीं था। राजेंद्र विजय वर्गीय की पत्नी गायत्री और ससुर चांदमल सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे, इसलिए उनके यहाँ लोग अक्सर आते जाते रहते थे। राजेंद्र विजय वर्गीय का कहना था कि घर में 5 CCTV कैमरे लगे हुए थे। जब कोई घर में ऊपर आता था तो गायत्री या पलक कैमरे में देखकर ही दरवाजा खोलती थीं। जाहिर है इसका मतलब था आने वाले परिचित ही रहे होंगे। दरअसल पुलिस को सभी कैमरे टूटे हुए मिले थे, उनकी हार्ड डिस्क भी गायब थी। इसका मतलब हत्यारे घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। घर की दोनों तिजोरियों के ताले तोड़े गए थे, मतलब बदमाशों को पता रहा होगा कि घर की दौलत उन्हीं तिजोरियों में है। पोस्टमार्टम के बाद जब माँ बेटी का अंतिम संस्कार किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग एकत्र हुए। व्यापारी संघ के लोगों में इस वारदात को लेकर अच्छा भला रोष था। उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए चेतावनी भी दिया। अगले दिन यानी 1 फरवरी को SP दीपक भार्गव ने राजेंद्र से घर से चोरी हुए सामान की बाबत पूछा तो उन्होंने बताया कि तिजोरियों से करीब 1 करोड़ रुपए की नकदी और जेवर गायब हैं। इसका मतलब वारदात को धन के लालच में अंजाम दिया गया था। इस बात को राजेंद्र ने भी स्वीकार किया। इससे पुलिस को तफ्तीश की एक दिशा मिल गई। निस्संदेह इस वारदात में विजय वर्गीय परिवार का कोई करीबी ही शामिल रहा होगा।
दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए डीजीपी विपिन पांडे के निर्देशन में एसपी दीपक भार्गव ने 10 टीमों का गठन किया। हत्या और लूट के मामले से जुड़े संदिग्ध और आतंक अपराधियों से पूछताछ का काम डीएसपी भंवर सिंह हाड़ा को सौंपा गया। उनकी मदद के लिए हर थाने से 10 जवानों की टीम बनाई गई। सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की जिम्मेदारी उद्योग नगर पुलिस इंस्पेक्टर विजय शंकर शर्मा और उनकी टीम ने संभाल लिया। इसके अलावा मामले से जुड़ी हर सूचना के एकत्रीकरण और पुलिस प्रशासनिक बंदोबस्त का प्रभारी थाना भीमगंज मंडी के इंस्पेक्टर श्री चंद्र सिंह को बनाया गया। पुलिस ने इलाके में वारदात के उस एक घंटे में किए गए सभी मोबाइल कॉल्स को राडार पर ले लिया। 100 से 150 कैमरों से सीसीटीवी फुटेज भी ली गई। कैमरे खंगालने के लिए एडिशनल एसपी राजेश मील और प्रशिक्षु आईपीएस अमृता दुहन पूरी मुस्तैदी से लगे रहे। पुलिस की अलग अलग टीमों ने अपराधियों की तलाश में होटलों और धर्मशालाओं को भी खंगाला। एसपी दीपक भार्गव ने तो भीमगंज मंडी थाने में ही पड़ाव डाल दिया। वह पुलिस टीमों से पल पल की जानकारी लेते रहे। इस बीच पुलिस ने पूरी रेंज में हाई अलर्ट जारी कर दिया था। शहर की सीमाओं पर पूरी तरह नाकेबंदी कर दी गई थी ताकि अपराधी शहर छोड़कर भागना चाहे तो धर लिया जाए। इस दोहरे हत्याकांड की जांच में एक मोड़ शनिवार 2 फरवरी को उस समय आया जब पुलिस को घटनास्थल से सफेद रंग का एक अंगोछा मिला था। संभवतः हत्यारे अफरा तफरी में अंगोछा छोड़ गए थे। पुलिस ने अंगोछे की पहचान को लेकर जब राजेंद्र विजय वर्गीय से पूछा तो वे कुछ नहीं बता सके। अलबत्ता मुखबिरों में से एक ने संदेह जताया कि यह अंगोछा राजेंद्र की दुकान पर मुनीमी करने वाले मस्तराम का हो सकता है। पुलिस जांच में मस्तराम जैसे सैकड़ों लोग राडार पर थे। रविवार 3 फरवरी की शाम पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि राजेंद्र विजय वर्गीय परिवार का एक पुराना कर्मचारी आजकल जमकर पैसे उड़ा रहा है। उसने 70,000 का मोबाइल और महंगे कपड़े खरीदे हैं। कहावत है कि अपराधी वारदात करने के बाद किसी ना किसी बहाने मौकाए वारदात पर जरूर आता है। कई बार यही चूक उसके पकड़े जाने का सबब बनती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। 3 फरवरी को गायत्री और पलक की शोक सभा थी। शोक सभा में मातम पुरसी के लिए आया एक व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। वह बार बार कह रहा था, यह सब कैसे हो गया। राजेंद्र को दिलासा देने के लिए जब वह उनके पास गया तो उसके मुंह से निकलती शराब की बदबू विजय की नाक तक पहुंच गई। उन्होंने उसे वहां से जबरन हटाने का प्रयास किया लेकिन वह और ज्यादा जोरों से रोने लगा। शोक सभा में सादे कपड़ों में भीमगंज मंडी थाना प्रभारी श्रीचंद्र सिंह भी मौजूद थे। उन्हें यह सब कुछ अटपटा लगा तो उन्होंने राजेंद्र विजय वर्गीय से पूछा कि वह कौन है। राजेंद्र ने बताया कि उसका नाम मस्तराम मीणा है और वह बूंदी के बड़ा तीरथ गांव का रहने वाला है। उन्होंने यह भी बताया कि मस्तराम उनका बहुत विश्वस्त नौकर था। 3 साल पहले वह उनकी दुकान पर मुनीम था। नतीजतन मस्तराम पुलिस की नजर में चढ़ गया। पुलिस उसे उठाकर थाने ले आई। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरी कहानी पता चल गई। पता चला कि इस वारदात को मस्तराम ने अपने एक साथी लोकेश मीणा, जो उसी के गांव का रहने वाला था, के साथ मिलकर अंजाम दिया था। मस्तराम मीणा और लोकेश मीणा एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों दोस्त थे। बूंदी जिले की केशोराय पाटन तहसील के बड़ा तीरथ गांव के रहने वाले 3 भाइयों के परिवार में 28 साल का मस्तराम अविवाहित था। उसके पिता किसान प्रभुलाल मीणा की 3 साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद तीनों भाइयों ने पुश्तैनी जमीन 18 लाख में बेच दी थी और रकम का बंटवारा कर लिया था। मस्तराम को बंटवारे में 6 लाख रुपए मिले। उसने यह रकम अयाशी में उड़ा दिया। मस्तराम ने केशवराय पाटन इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI की परीक्षा पास की थी। शराब के नशे में हुड़दंग करने पर वह गांव वालों से कई बार पिट चुका था। इस वारदात में मस्तराम का सहयोगी रहा लोकेश मीणा 10वीं में फेल होने के बाद से ही आवारागर्दी करने लगा था। उसने RCC पाइप्स की ठेकेदारी भी की थी लेकिन झगड़ा फसाद करने के कारण धंधा नहीं चल पाया। केशवराय पाटन थाने में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे।
कुछ समय पहले वह अपनी भाभी को भी लेकर भाग गया था। तभी से उसके घर वालों ने उससे किनारा कर लिया था। मस्तराम और लोकेश मीणा दोनों सोचते थे कि किसी बड़ी लूट को अंजाम दें और ऐशो आराम की जिंदगी जिएं। मस्तराम मीणा सर्राफ राजेंद्र विजय वर्गीय की दुकान पर नौकरी कर चुका था। उसे पता था कि घर का कौन सदस्य कब आता जाता है, नकदी जेवर कहाँ रखे हैं। उसने लोकेश को अपनी योजना बताई कि एक दो को मारना तो पड़ेगा लेकिन मोटा माल मिलेगा। लोकेश इसके लिए तैयार हो गया। कह सकते हैं कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड मस्तराम ही था। पूछताछ में उसने बताया कि दोनों ने वारदात से पहले दुकान और घर दोनों जगहों की रेकी किया। रेकी के बाद वारदात का वक्त शाम के 7 बजे का रखा गया। उस समय राजेंद्र विजय वर्गीय दुकान पर होते थे और उनके पिता चांदमल को राम मंदिर में दर्शन करते हुए दुकान पर पहुंचना होता था। रात 8:30-9 बजे से पहले दोनों में से कोई नहीं लौटता था। ग्राउंड फ्लोर की किरायेदार रश्मि अकेली रहती थी और उस वक्त सब्जी मंडी चली जाती थी। लूट के लिए हत्या करना पहले ही तय था, इसलिए दोनों सरिये और चाकू साथ लेकर आए थे। माँ बेटी गायत्री और पलक दोनों उन्हें जानती थीं, इसलिए कालबेल बजाने पर दरवाजा खुलवाने में कोई दिक्कत नहीं थी। दरवाजा खोलते ही गायत्री सामने नजर आई। दोनों को बैठने को कहकर जैसे ही वह अपने कमरे की तरफ बढ़ी, दोनों ने मौका दिए बगैर सरिये से उनके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। फिर भीतर जाकर पलक का भी यही हाल किया। दोनों में जान ना रह जाए, यह सोचकर मस्तराम और लोकेश ने चाकू से दोनों का गला रेत कर उनकी मौत की तसल्ली कर लिया। बाद में दोनों ने माँ बेटी की लाशों को घसीट कर ड्राइंग रूम में डाल दिया। मस्तराम को पता था कि जेवर और नकदी गायत्री के कमरे की तिजोरी में रखे होते हैं। मस्तराम और लोकेश अपने साथ बैग लेकर आए थे। तिजोरी तोड़कर जितनी भी रकम और जेवर मिले उन्होंने बैग में भरे और वहां से फुर्ती से निकल गए। बस पकड़कर दोनों सीधे गांव पहुंचे और गहने व रकम का बड़ा हिस्सा घर में छिपा दिया। फिर दोनों ने रात में ही बूंदी से रोडवेज की बस पकड़ी और जयपुर चले गए। जयपुर में दोनों बस स्टैंड के पास ही एक होटल में रुके। अगले दिन दोनों ने जमकर खरीदारी की और शराब पिया। दोनों ने अपने लिए 70,000 के महंगे मोबाइल फोन, कपड़े और अन्य सामान खरीदा। 2 फरवरी को दोनों वापस कोटा आ गए। मस्तराम को अपने पकड़े जाने का डर नहीं था। फिर भी अपनी इस तसल्ली के लिए कि किसी को उस पर शक ना हो, वह शोक जताने का दिखावा करने चला गया। बस उसकी यही सोच उसे ले डूबी। राजेंद्र विजय वर्गीय ने पुलिस को बताया कि हत्यारों ने करीब 1 करोड़ की लूट की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 37 लाख में से 21,70,000 रुपए और 2 किलो 26 ग्राम सोना, 13.5 किलो चांदी के जेवर बरामद कर लिए। मस्तराम ने बताया कि गायत्री और पलक जो गहने पहने थी उन्होंने वे भी उतार लिए थे। सीआई श्री चंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से सोने की चेन और कंगन भी बरामद कर लिए गए। लोकेश ने वारदात करने के बाद 8 लाख रुपए, कंगन और चेन अपने गांव जाकर खेत में गाड़ दिए। लूट की रकम का बंटवारा करने के बाद मस्तराम पाटन के एक गांव में अपने रिश्तेदारों के पास गया था। उसने उन्हें 8 लाख रुपए यह कहकर रखने को दिए कि रकम जमीन बेचकर मिली है, थोड़े दिन रख लो फिर आकर ले जाऊंगा। वारदात खुलने के बाद मस्तराम के रिश्तेदारों ने यह रकम पुलिस को यह कहते हुए सौंप दिया कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस मामले में भीमगंज मंडी के थाना प्रभारी श्रीचंद सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही। शोक सभा में मस्तराम मीणा के हाव भाव उन्हें खटके तो उन्होंने पूरा ध्यान उसी पर लगा दिया। इस कोशिश में उन्हें उसकी कलाइयों पर खरोंचों के निशान नजर आए, जिससे उनका शक पुख्ता हो गया। उन्होंने कांस्टेबल शिवराज को उसे फौरन उठाने का आदेश दे दिया। सीआई श्री चंद्र सिंह ने बताया कि जयपुर में अच्छी खासी खरीदारी के बाद दोनों हत्यारे वापस होटल नहीं पहुंचे थे। अगले दिन होटल मालिक ने कमरे की सफाई करवाई तो प्लास्टिक की थैली में कपड़े मिले, जिन्हें स्टोर में रखवा दिया गया था। श्री चंद्र सिंह ने वह थैली भी बरामद कर लिया। इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है और कुछ दिन में कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा।
इस केस को सुलझाने में एसपी राकेश मील, उमेश ओझा, प्रशिक्षु आईपीएस अमृता दुहन, डीएसपी भंवर सिंह, राजेश मेश्राम, सीआई महावीर सिंह, मुनिंद्र सिंह, मदन लाल और विजय शंकर शर्मा सहित 200 पुलिसकर्मी शामिल रहे। आज की कहानी बस यही तक, अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने बेंगलोर से कमेंट किया है, पहले तो 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। वेरी सैड स्टोरी, एटलीस्ट मासूम बच्चों को मारते वक्त तो भी हाथ नहीं कांपे क्या, रियली यह इंसान तो नहीं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों के सहयोग और प्यार से आज अपना YouTube फैमिली 10,000 का हो गया है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि यह 10,000 का YouTube फैमिली मुझे मेरे बर्थडे के दिन मिला है, इसलिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। जफर खान जी ने कमेंट किया है, आई एम हैप्पी यू गॉट 5,000 व्यूज ऑन योर वीडियो, वेल डन ब्रो, कीप इट अप, शाइन ऑलवेज, विल गेट 1 लाख सून ऑन योर एवरी वीडियो, आई एम वेटिंग एंड होप यू विल नॉट फॉरगेट, आई एम ऑल्सो योर रेगुलर लिसनर, लव फ्रॉम अ पाकिस्तानी इन UAE। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आई गॉट 20,000 व्यूज ऑन दैट वीडियो एंड आई नेवर फॉरगेट गुड पीपल, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट गुड पीपल एंड ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। अदब बेग जी ने कमेंट किया है, आप बहुत अच्छे बोलते हो, मैं दुबई से आपका वीडियो देखता हूँ, आपका वीडियो बहुत कुछ सीखता हूँ दुनिया के बारे में, मैं दुबई से आपका वीडियो देखता हूँ। अदब बेग जी आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। गुरजोत सिंह जी ने चंडीगढ़ से कमेंट किया है, गुड जॉब सर, कीप इट अप, लव फ्रॉम चंडीगढ़। सर आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। नूरानी तेजानी जी ने कमेंट किया है, वेरी एंटरटेनिंग डार्क इवेंट्स, गुड नैरेटर। मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। संजीव प्रसाद जी ने कमेंट किया है, झारखंड के दुमका में जो एक लड़की को जला दिया गया था पेट्रोल डालकर, उस पर वीडियो बनाएं। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अंकित की स्टोरी मेरे लिस्ट में है, मैं जल्दी इसी स्टोरी को आपको सुनाऊंगा। आरती शर्मा जी ने कमेंट किया है, मरना तो राजेश को चाहिए, धोखा उसने दिया था। बबीता ने 2 बार भरोसा किया और दोनों बार धोखा खाया। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैम आपकी बात तो सही है, लेकिन हमेशा बेगुनाह ही मारा जाता है। आलोक सर ने लखीमपुर खीरी से कमेंट किया है, यह समाज पुरुष प्रधान है, औरतों के चरित्र पर कीचड़ उछालना सबसे आसान काम है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सर यह काम आसान नहीं होना चाहिए, हमें अपनी बेटी बहनों का इज्जत नहीं उछालना चाहिए। आफिया इलियास खान जी ने कमेंट किया है, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, कीप इट अप। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नादिया उम्बर लोदी जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट कमेंट, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, भलाई का जमाना नहीं रहा अब, जो सच्चाई के साथ चलता है उसको हमेशा के लिए जिंदगी के रास्ते से हटा दिया जाता है। मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब लोगों का मानसिकता बहुत गिर चुकी है। शीना खान जी ने कमेंट किया है, आपकी स्टोरी मैं सारी सुनती हूँ, कमेंट नहीं कर पाती, आपकी हर एक स्टोरी बहुत अच्छी होती है, शीना खान फ्रॉम पंजाब। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर्स हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे रकीब सर, राहुल जयकर सर, नरेंद्र जोशी सर, सिमरन सावी जी, सरिता राय जी, महेश रस्तोगी जी, कंचन पटेल जी, कल्पना लिंबू जी, सरिता सिंह जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।